हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शानू और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मस्ट हैव प्रोडक्ट्स। मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रैवल के टाइम पे बहुत काम आते हैं। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो उन प्रोडक्ट्स को जरूर अपने बैग में कैरी करती हूँ, बहुत काम आते हैं उस टाइम। तो आप भी जैसे कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तब आप वो प्रोडक्ट्स अपने बैग में रख सकते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो वहां से चेक कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं, कुछ ऑफलाइन भी परचेज किए, फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि उनके लिंक्स जो होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। जैसे अगर एग्जैक्ट प्रोडक्ट की लिंक ना मिले तो भी मैं सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट की लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और वीडियो आगे बढ़ाए उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके और स्पेशली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे ना तो आपको मेरे चैनल के जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होंगे वो नहीं मिलेंगे। क्या होता है कि मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा और मेरा वीडियो ऐसे ही आकर चला जाएगा और आप मिस कर देंगे। तो आप स्पेशली सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये सेट ऑफ 4 माइक्रोफाइबर फेस टॉवल हैंकी है। ये 4 का सेट आता है, मैंने डी मार्ट से लिया था 59 रुपीज में, बट आपको ये लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या फिर अगर आपके वहां डी मार्ट है तो वहां से चेक कर सकते हैं। ये जो माइक्रोफाइबर फैब्रिक होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है और ये ना पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्वेटिंग अगर आपको होती है, पसीना बहुत होता है, तो आप इस तरीके के फेस टॉवल यूज कर सकते हैं। एक कॉटन के आते हैं पतले वाले, मैं पहले वही यूज करती थी, लेकिन उनको यूज ज्यादा कर लो ना तो थोड़े से कड़क हो जाते हैं और पसीना जो है वो इतनी जल्दी सोखते नहीं है। लेकिन इस तरीके के माइक्रोफाइबर के जो हैंकी होते हैं ना वो बहुत जल्दी पसीना सोख लेते हैं और वॉश करना भी ईजी है, वॉश करने के बाद ही जल्दी सूख भी जाते हैं। तो इस तरीके के बैग में आप जरूर रखें, ये आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मिंट स्ट्रिप्स। ये जो मिंट स्ट्रिप्स है ना, अगर आपके मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, आपकी कहीं मीटिंग है, आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जहां आपको बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब इस तरीके के आप मिंट स्ट्रिप्स ले सकते हैं। ये पीछे से ऐसे स्लाइड हो जाती है और यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रिप्स मिलती है। तो ये आप जब भी आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है या फिर वॉमिटिंग टाइप भी फील हो रहा है ना, तब भी आप इस तरीके के स्ट्रिप्स खा लो, बहुत सही रहता है, मुंह से बदबू भी नहीं आती और मिंट फ्लेवर है ना तो वो काफी अच्छा भी लगता है और इस तरीके से ये लग भी जाती है। तो ये और काफी कॉम्पैक्ट साइज में है तो ये आप बैग में रख सकते हैं कहीं भी जा रहे हैं। मैं हमेशा ये कैरी करती हूँ। एक हैप्पीडेंट की जो मिंट फ्लेवर की आती है वो मैं यूज करती हूँ और एक ये स्ट्रिप्स भी मैं यूज करती हूँ, ये भी काफी सही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये पेपर सोप। ये ना आपने देखा होगा काफी यूट्यूबर सजेस्ट कर रहे हैं, मैंने भी इनको यूज किया है। इस तरीके की ना इसमें स्ट्रिप्स मिल जाती है आपको, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत छोटी छोटी ऐसे कलरफुल स्ट्रिप्स मिलती हैं, तो यूज करना बहुत ज्यादा ईजी होता है। इस तरीके की देखो स्ट्रिप्स मिल जाती है कलरफुल, और क्योंकि प्लास्टिक बॉटल में आती है ना तो आप अपने बैग में इजिली कैरी करके भी कहीं ले जा सकते हैं। वैसे पहले आपने देखा होगा इस तरीके के स्ट्रिप्स चलते थे, ये जो पेपर सोप होता है इस तरीके के चलते थे पहले, अभी भी चलते हैं ये, मैं अभी भी कैरी करती हूँ। बट इनको यूज करने के बाद ना इसका जो पीस है होता है वो रह जाता है, उसको फेंकना पड़ता है अपने को, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इनको यूज करने के बाद ना कुछ बचता ही नहीं है, पूरा जो ये झाग बन के पूरा घुल जाता है, बचता कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रैवल के टाइम पे काफी सही रहते हैं। इसमें कलर्स भी मिल जाएंगे आपको, जैसे ये मेरे पास ब्लू कलर है, इसमें दूसरे कलर से मिल जाएंगे, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सनस्क्रीन, जो आजकल सभी कैरी करते हैं अपने बैग में, कहीं भी जा रहे हो आप, कोई भी सीजन में आप घूमने जा रहे हैं, आपको सनस्क्रीन जरूर कैरी करना है। और ये जो सनस्क्रीन है ना, ये मैंने नया ट्राई किया है, मुझे काफी सही लग रहा है। एक्वालॉजी का विटामिन सी एंड पपाया वाला सनस्क्रीन है, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी आते हैं, बट मेरी नॉर्मल स्किन है तो मुझे ये काफी अच्छे से सूट कर गया है। वैसे ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है और इसका मैं ना डिटेल रिव्यू भी अपने चैनल पर शेयर करूंगी आगे, बहुत सही रहता है, ये आपके बैग में जरूर होना चाहिए। और स्पेशली ना ये जो सनस्क्रीन है ना, ये SPF 50 प्लस है और PA 4 प्लस है, तो बहुत ज्यादा ये सन प्रोटेक्शन देने वाला है, तो ये एक चीज है जो आपके बैग में होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको ना इस तरीके के छोटी छोटी बॉटल्स रखनी चाहिए बॉडी वॉश की, शावर जेल की,
तो इस तरीके के ना जो छोटी बॉटल्स होती है ना, वो हैंडी रहती है, बैग में इजीली आ भी जाती है और ट्रैवल के टाइम पे बहुत काम आती है। तो इस तरीके की आपको कहीं भी मिल जाएंगी, या फिर आप चाहे तो बड़ी बॉटल्स हैं अगर आपके पास शावर जेल की यानी कि बॉडी वॉश की, तो आप उनको छोटे छोटे कंटेनर्स में फिल कर दो। तो इस तरीके के छोटे कंटेनर्स ना बैग में इजीली आ भी जाते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं। तो ये इस तरीके की प्लास्टिक बॉटल आती है, आपको मिल जाएगी इजीली, तो ये भी आपके बैग में जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट ना, इस तरीके की छोटी परफ्यूम बॉटल्स आती है, ये रिफिलेबल बॉटल है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके की ना ये रिफिल हो जाती है, तो अगर आपके पास कोई बड़ा परफ्यूम का बॉटल है तो आप इसको ना ऐसे छोटी छोटी परफ्यूम की बॉटल्स में फिल कर सकते हैं। ये हैंडी भी रहती है, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा परफ्यूम की बॉटल्स ना ग्लास में ही आती, कांच की ही होती है। जैसे ये वाली भी है ना, तो ये कांच की ही है, लेकिन ये छोटी है ना, तो इतना टूटने का डर नहीं रहेगा जितना बड़ी बॉटल का रहता है, क्योंकि ये छोटी जगह में आ भी जाएगी और बैग में मतलब इजीली आ जाएगी, ट्रैवल फ्रेंडली है। और बस आपको कहीं भी जाना हो तो इस तरीके की छोटी बॉटल आप कैरी करें, बहुत सही रहती है। नेक्स्ट ना, ये मेरे पास एक रोल ऑन है जो कि झंडू बाम का रोल ऑन है। झंडू बाम काफी टाइम से आता है, आपने देखा ही होगा, आप यूज भी करते होंगे। मैंने ना इस तरीके का रोल ऑन परचेज किया है, क्योंकि वो जो कंटेनर में आता है ना, जो डिब्बे में आता है, वो थोड़ा सा उसको यूज करो, अपने फिंगर्स उसी में जाते हैं, कोई और भी यूज करता है तो उसके फिंगर्स भी उसी में जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अनहाइजेनिक लगता है। ये रोल ऑन ट्रैवल पर्पस के लिए बहुत सही है, क्योंकि बस इसको ऐसे ओपन किया और ऐसे लगा लिया, बहुत सही रहता है। देखो अब ये लगाने से एकदम से तो आपका अगर हेडेक हो रहा है तो ठीक नहीं हो जाता, बट हाँ आपको रिलीफ जरूर मिलता है। अगर आप ऐसे मेडिसिन लेते हैं हेडेक की, तो उनकी बजाय ना आप इस तरीके का एक रोल ऑन रख लें, ये आपको रिलीफ जरूर देगा। हाँ ठीक है, हेडेक आपको एकदम पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता, बट रिलीफ देता है, उसके लिए सही है। अगर आप मेडिसिन नहीं ले तो ज्यादा अच्छा है, उसके बजाय आप ये झंडू बाम का रोल ऑन ले सकते हैं, काफी ट्रैवल फ्रेंडली है, बैग में इजिली आ भी जाता है, बहुत कम स्पेस कवर करता है, ये आप ले सकते हैं। देन मेरे पास एक ये बैंड है, हेयर बैंड, ये ना मैंने जूडियो से लिया था, मैंने आपको अपने जयपुर शॉपिंग हॉल में दिखाया भी था, तो वहां ये मैंने जूडियो से लिया था। तो ये ना काफी सॉफ्ट फैब्रिक का है, और जैसे कुछ भी स्किन केयर वगैरह करना हो ना, तो इस तरीके के बैंड सही रहते हैं। एक मेरे पास पहले प्लास्टिक वाला था, उससे तो ना हेडेक होने लगता है, लेकिन इस तरीके का जो सॉफ्ट मटेरियल का है ना, ये बहुत सही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों टाइप लगता है, बट अपने को तो सिर्फ स्किन केयर करना है, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। और ये भी आप चाहें तो ट्रैवल के टाइम पे ले जा सकते हैं, बहुत सही रहता है ये। और नेक्स्ट मेरे पास है ये कुछ रबर बैंड्स, तो ये ना आप देख रहे होंगे कि काफी सारे हैं, एक छोटे कंटेनर में है। ये मैंने डीमार्ट से लिया था 49 रुपीज का। और अच्छा, मैं ना जिस जिसके प्राइस नहीं बता रही हूँ ना, तो हो सकता है मुझे याद नहीं होंगे, तो वैसे मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी अगर मैं किसी की प्राइस भूल भी गई होंगी तो। ये वैसे 49 रुपीज में लिया था मैंने, और इसमें आपको 28 टोटल रबर बैंड्स मिल जाते हैं। और आप देखेंगे पेस्टल कलर्स के हैं सारे, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, व्हाइट हो गया, देन येल्लो, पर्पल, ब्लू, इस तरीके के सारे लाइट पेस्टल कलर्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और क्वालिटी जो है इनकी वो भी काफी अच्छी है, मैं आपको एक एक दिखाती हूँ। इस तरीके का आपको ये रबर बैंड मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये। और अगर आपको ना हेडेक होता है, जैसे मैं ज्यादा देर ना बांध के नहीं रख सकती बालों को, कि मुझे हेडेक होने लगता है, क्योंकि सारे जो रबर बैंड्स हैं वो सूट नहीं करते हैं मेरे हेयर को, तो मैं इस तरीके के पतले वाले यूज करती हूँ, या फिर सैटन और जो सिल्क के आते हैं स्क्रंचीज, वो यूज करती हूँ। स्क्रंचीज तो मैं खैर डेली यूज करती हूँ, इस बार मैंने ये वाले भी लिए हैं, ये भी काफी सही है, बहुत छोटे छोटे पतले पतले है ना, तो इनसे ज्यादा हेडेक भी नहीं होगा। डीमार्ट में आप जाए तो देख सकते हैं, वैसे लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे आपको ये। नेक्स्ट है, ये ना बहुत काम की चीज है, ये है नींबू पानी मिक्स। ये ट्रैवल के टाइम पे बहुत काम आते हैं, या फिर आप घर पे भी ऐसे ही नींबू पानी पीना चाहते हैं ना, तो बस एक पैकेट लेना है आपको और एक ग्लास में मिला देना है, दोनों को मिक्स करके, मतलब ये नींबू पानी का जो मिक्स है पानी में मिक्स करके, बहुत ही अच्छा इसका एक नींबू पानी रेडी हो जाता है, बहुत टेस्ट में अच्छा लगता है। और ट्रैवल के टाइम पे भी आप इसको
को ले जा सकते हैं। इस तरीके के काफी सारे ना पैकेट्स आते हैं, लाइक ये जो बड़ा पैकेट आता है इसमें ना काफी सारे आपको मिल जाते हैं। इस तरीके के पाउच मिल जाते हैं। तो ये एक ग्लास में एक पैकेट आप मिक्स कर दो। जैसे अगर कोई मेहमान भी आ गए आपके घर पे तब भी आप ये वाला नींबू पानी मिक्स यूज कर सकते हैं। कौन नींबू को निचोए फिर उसमें ऐसे नींबू पानी बनाए, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और ट्रैवल के टाइम पे ये चीजें बहुत काम आती है, समर सीजन में हो गया स्पेशली उस टाइम तो ये बहुत काम में आती हैं। ये तो आपको अपने बैग में जरूर कैरी करना चाहिए। और ना कुछ ऐसे पूरा एक पैक आता है ना तो कुछ गंदा होने का कि बैग खराब हो जाएगा ऐसा कुछ डर भी नहीं रहता, तो ये ट्रैवल के टाइम पे आपको जरूर कैरी करना चाहिए। नेक्स्ट है ये ना पीरियड पैंटीज है। जैसे मैंने आपको पहले भी ना इसका एक शॉर्ट वीडियो में रिव्यू दिया था, ये पीरियड पैंटीज है महीना ब्रांड की। तो इस तरीके की पैंटीज आप ले सकते हैं, ये ट्रैवल के टाइम पे इवन घर पे भी बहुत काम आती है। इस तरीके की पैंटीज आपको मिल जाती है, तो ये ना पीरियड्स के टाइम पे बहुत काम आती है। इसको आप वेयर कर सकते हैं फॉर अप टू 12 आवर्स। मतलब आप पैड यूज नहीं करना चाहते हैं, मेंस्ट्रुअल कप यूज नहीं करना चाहते, टैम्पॉन्स यूज नहीं करना चाहते ना, तो ये पीरियड पैंटीज बहुत काम आती है। 12 घंटे तक आप इसे वेयर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, बहुत ही कंफर्टेबल रहते हो ट्रैवलिंग के टाइम पे, स्पेशली जहां आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि आप पैड्स चेंज करने की आपको जगह नहीं मिल रही है, और फिर पैड यूज करो ना तो उसको डिस्पोज करने का टेंशन बहुत रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आप पहन लो, उसके बाद 12 घंटे तक आप वेयर कर सकते हैं। फिर इसको वॉश करना भी इजी है, बस कोल्ड वाटर में आप रिंस कर सकते हैं, फिर आप हैंड वॉश कर सकते हैं या फिर आप मशीन में भी इसको वॉश कर सकते हैं, और फिर इसको आप सुखा लिया और फिर से रीयूज कर सकते हैं। और इसको आप रीयूज कर सकते हैं फॉर 2 ईयर्स, तो पैसा भी आपका काफी बच जाएगा। जो पैड्स में आप इतना खर्चा करते हैं वो पैसा आपका काफी बच जाएगा। मुझे ये चीज बहुत सही लगती है, और ट्रैवलिंग के टाइम पर तो बहुत ही ज्यादा सही है, जब आपको पैड चेंज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, स्पेस जगह नहीं मिल रही है, तब ये बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना वो है ये स्लिंग बैग। ये मैंने परचेस नहीं किया है, मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट दिया था। वैसे ये बैग ना आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, और बैग की बात करूँ ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ऑनलाइन परचेस ना करें, हमेशा आप लोकल मार्केट से यानी कि ऑफलाइन ही परचेस करें। वहां फैब्रिक को ना ऐसे टच करके देख सकते हैं और ओपन करके देख सकते हैं कि उसमें कितने जिप है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप कोई भी बैग ले तो स्पेशली स्लिंग बैग ही ले। ट्रैवल के टाइम पे ना स्लिंग बैग बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि क्रॉस बॉडी ऐसे लग जाते हैं तो आप ट्रैवल ना बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे स्लिंग बैग ले जिसमें जिप बहुत ज्यादा हो, जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर बैग है ना, ये इसमें जिप बहुत है। जैसे आपको दिख रहा होगा एक फ्रंट में जिप है, देन यहाँ पर आपको एक जिप दिख रही होगी, देन पीछे की साइड आपको एक जिप मिल जाती है, देन ये जो मेन पॉकेट है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें यहाँ पर जिप है, और अंदर की साइड आप देखेंगे ना तो आपको एक बीच में इस तरीके की जिप मिलेगी, देन यहाँ पर आपको पार्टीशन मिल जाएगा और यहाँ पे एक जिप मिल जाएगी, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक पार्टीशन है। तो ना अंदर काफी सारे पार्टीशन है और जिप भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें ना आपका जो सामान आप जो भी रखते हैं ना वो ऑर्गेनाइज रहता है और काफी सही रहते हैं इस तरीके के स्लिंग बैग्स। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर बैग भी आप ले रहे हैं तो कलर्स का भी आप ध्यान रखें, जैसे आप ब्लैक ले लें या व्हाइट ले सकते हैं, ऑफ व्हाइट ले सकते हैं, इनके बेज कलर भी आप ले सकते हैं और ब्राउन कलर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके के कलर्स ना सभी कलर के ऑफर्स पे चल जाते हैं। वैसे मैं ट्राई करूंगी कि अगर मुझे सिमिलर काइंड ऑफ बैग की लिंक अगर मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे बैग्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ऑफलाइन ही परचेस करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमेशा ट्रैवलिंग के टाइम पे कोशिश करें कि स्लिंग बैग्स ही कैरी करें, और कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े बैग्स ही लें, बस छोटे मतलब मीडियम साइज के आप बैग्स ले सकते हैं, बट ट्राई ये करें कि उसमें जिप बहुत ज्यादा हो। मैंने ना आपको इस तरीके के सेट ऑफ 4 माइक्रोफाइबर फेस टॉवल दिखाए थे, वैसे ही ना क्लीनिंग पर्पस के लिए भी सेट ऑफ 4 माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लोथ आते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। अपने किचन में आपको कुछ भी क्लीनिंग करनी है, प्लेटफॉर्म वगैरह, तो उसके लिए सही रहते हैं। इस तरीके के मैं आपको दिखा देती हूँ, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स मिल जाते हैं इस तरीके के हैं। ये इतना इसका साइज है, पिंक कलर है, इसमें आपको ब्लू मिल जाएगा, ऑरेंज मिल जाएगा एंड ग्रीन मिल जाएगा, जो मैं अभी करंटली यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके के
आपको ये माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाते हैं, तो कहीं भी आपको क्लीनिंग करनी है ना, स्पेशली किचन में, तो बहुत सही रहते हैं। ये भी पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वॉश करने के बाद भी पानी बहुत जल्दी ना मतलब सूख जाता है इसमें से, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरीके की क्लीनिंग पर्पज के लिए ना आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने डीमार्ट से लिया था और इसका प्राइस है 99 रुपीज में आपको चार क्लीनिंग क्लॉथ मिलते हैं माइक्रोफाइबर के, तो ये भी आप ले सकते हैं। देन मैंने मीशो से लिए थे ये सेट ऑफ 12 सारी कवर्स, तो इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी है। इसमें जरूरी नहीं है आप सारीज ही रखें, मैंने इसमें ना अपने सूट्स रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से आ जाते हैं। आगे यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट मिलती है और पीछे आप देखेंगे तो कपड़ा लगा हुआ है। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी और प्राइस इतना रीजनेबल था ना, मैंने ये 165 रुपीस के 12 लिए थे और साइज भी इसका काफी सही है, आपकी एक साड़ी इसमें आराम से आ जाएगी। मैंने अपना एक सूट रखा हुआ है इसमें और इसकी जो जिप की क्वालिटी है ना वो भी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी के कवर्स हैं। मीशो से मैंने लिए थे सेट ऑफ 12 में, इनफैक्ट मैं अभी जब सेल लगेगी ना फिर से तो उसमें फिर से लेने वाली हूं मैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के मुझे लगे हैं। पहले मुझे डर लग रहा था कि मीशो में कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट थोड़े हल्की क्वालिटी के आ जाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी के आए हैं और इस तरीके का कलर अच्छा लगता है, थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर है तो अच्छा लगता है, और काफी अच्छी क्वालिटी का ये कवर है। जैसे ऐसा नहीं है कि ये प्लास्टिक जल्दी फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और जिप की क्वालिटी भी अच्छी है। ये आप डेफिनेटली ले सकते हैं, अपनी साड़ीज रखनी हो या सूट रखने हैं तो आप ये ले सकते हैं। और नेक्स्ट भी कवर्स ही मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने पहले भी आपको दिखाए थे, ये भी मैंने मीशो से ही लिए हैं, इस तरीके के बड़े साइज के कवर्स हैं ये। इसमें भी आप चाहें तो कुछ भी ब्लैंकेट रख सकते हैं अपने, इवन इसमें ना साड़ीज भी आप आराम से रख सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, इस तरीके से नहीं ओपन हो जाते और काफी बड़े हो जाते हैं ये, तो ब्लैंकेट रख लिया, साड़ीज भी रख सकते हैं। और साड़ीज तो इसमें ना इतनी सारी आ जाती है, लाइक 10 से 12 साड़ीज इन कवर्स में आराम से आ जाती है, और ट्रांसपेरेंट है ना तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब दिख जाता है आपको कि क्या क्या आपने रखा है। पेटीकोट्स रख लिए, इवन अपने टॉप्स रख सकते हैं, सूट्स रख सकते हैं, जैसे ऐसे दोनों साइड यहाँ पर सूट्स आ जाएंगे, तो ये कवर बहुत अच्छे हैं। ये मैंने भी मीशो से ही लिए थे और 486 में मुझे 9 कवर्स मिले थे, तो इसमें ये सेट ऑफ 9 मैंने लिया था, बट आपको सेट ऑफ 5 मिल जाएगा, सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 6, ऐसे सेट ऑफ 12 भी मिल जाएंगे, काफी सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे, तो ये भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और नेक्स्ट जो कि आई थिंक लास्ट होने वाला है प्रोडक्ट, वो भी एक कवर ही है, ये भी सारे कवर ही है, ये भी मैंने मीशो से ही लिया था, जो मैंने पहले आपको कवर दिखाया ना उनके साथ ही मैंने ये मंगवाया था, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है। तो इनको मैं यूज करती हूँ जो मम्मी के पेटीकोट होते हैं ना वो रखने के लिए, बहुत अच्छे से आ जाते हैं। ये पिछला जो मैंने दिखाया था उससे थोड़े छोटे हैं, मतलब हाफ साइज के हैं ये, भी इस तरीके से ना ओपन होके मतलब बड़े हो जाते हैं ये, तो इनमें भी ना आप अपनी जीन्स रख सकते हैं, टॉप्स रख सकते हैं और साड़ीज भी इसमें आ जाएंगी। स्पेशली मैंने पेटीकोट, मम्मी के जो पेटीकोट हैं वो रखे हैं इसमें, बहुत अच्छे से आ जाते हैं। आई थिंक 4, 8, 12 पेटीकोट्स तो इसमें आराम से आ जाते हैं। मैं वैसे वीडियो लगा दूंगी, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इन सारे कवर्स को अरेंज किया है, बहुत सही चीज है ये, तो आप ले ही लें। ये मैंने सेट ऑफ 8 लिए थे, प्राइस एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसमें भी ना आपको काफी सारे सेट्स मिल जाएंगे, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 4, सेट ऑफ 8, सेट ऑफ 10, सेट ऑफ 12, ये मैंने सेट ऑफ 8 में लिया था, काफी रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था, ट्रांसपेरेंट है तो दिख भी जाएगा कि क्या आपने रखा, और जो ये प्लास्टिक है ना इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ये भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो, जिसे मैंने आपको बताया है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स, मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स बताए हैं जो ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत काम आ सकते हैं आपके। मैं तो ट्रैवलिंग जब भी करती हूँ तो इन प्रोडक्ट्स को जरूर कैरी करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।